कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 87,882 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोविड के अभी भी 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक तरफ जहां भारत दुनिया का दूसरा सबसे कोरोना प्रभावित देश है, तो वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भी भारत का ही है। राज्यों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोरोना मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रिकवरी रेट 80% से अधिक है। महाराष्ट्र में सोमवार को मरीजों के रिकवर होने का रिकॉर्ड बना। 24 घंटे में जहां 15,738 नए मामले सामने आए, वहीं रिकॉर्ड 32,007 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। अब तक एक दिन में ठीक होने वालों का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। राज्य में अब तक 12,24,380 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 9,16,348 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,74,623 मरीज अभी भी इलाज के लिए अस्पतालों में हैं। संक्रमण के चलते अब तक 33,015 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3,14,00,000 से ज्यादा हो गया है। रविवार को एक दिन में 2,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 2,28,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अब तक 9,62,553 मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में 70,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, तो वहीं 2,00,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोविड-19 के इलाज को लेकर ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, जिसमें ओ प्लस ब्लड ग्रुप में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने की बात सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया में करीब 10 लाख लोगों के डीएनए पर एक रिसर्च हुई, जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि ओ प्लस ब्लड ग्रुप वालों पर वायरस का असर कम होता है। इससे पहले हार्वर्ड से भी रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसमें कहा गया था कि ओ प्लस वाले लोग कोरोना पॉजिटिव कम हैं। रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी बेचने के लिए 10 देशों के साथ शुरुआती सौदा तय कर लिया है। अब तक 120 करोड़ डोज बेचने पर समझौता हो चुका है। इसे ऑर्डर करने वाले देशों में दक्षिण अमेरिकी और एशिया के साथ ही कुछ खाड़ी के देश भी हैं। रूसी अधिकारियों के मुताबिक भारत, सऊदी अरब, मेक्सिको और ब्राजील से वैक्सीन के लिए सौदा किया गया है। वहीं 10 दूसरे देशों के साथ भी बात चल रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है।